हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती नीलम हॉलीडेज से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हम केरला में 3 नाइट 4 डेज में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं और कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डे फर्स्ट, लोग अराइव होते हैं कोचिन एयरपोर्ट या फिर कोचिन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पिक करते हैं और लेके चलते हैं मुन्नार की तरफ। वो रस्ते में आपको साइट सीन्स कवर करवाते हैं, जैसे कि चियप्पारा वाटरफॉल, वल्लारा वाटरफॉल और उसके साथ साथ केरला की खूबसूरती टी गार्डन्स। वहाँ के टी गार्डन्स को कवर करते हुए आप लोग पहुँचते हैं मुन्नार और वहाँ पर लेते हैं अपना ओवरनाइट स्टे। तो आज आप कवर करते हैं मुन्नार के लोकल साइट सीन्स, जिसमें कि आप सुबह का नाश्ता करने के बाद निकलते हैं अपने होटल से और जो पहली जगह आप जाते हैं वो है एरविकुलम नेशनल पार्क। इसके बाद आप बहुत सारी लोकल साइट सीन्स कवर करते हैं, जैसे मेटुपट्टी डैम, मेटुपट्टी लेक, इको पॉइंट, रोज गार्डन्स एंड एसेट्रा एंड एसेट्रा। अपने पूरे दिन को, अपने पूरे मेजेस्टिक दिन को एंजॉय करने के बाद आप वापस आते हैं अपने होटल और लेते हैं फिर से ओवरनाइट स्टे मुन्नार में। थ्री, आप चलते हैं मुन्नार से एलेपी की ओर। एलेपी केरला की बैक वाटर डेस्टिनेशन में से एक जाना जाता है। यहाँ पर पहुंचकर आप अपना चेक इन करते हैं होटल या हाउस बोट में। ज्यादातर लोग यहाँ पे चेक इन करते हैं हाउस बोट्स में, क्योंकि हाउस बोट्स का नजारा यहाँ पर बहुत ही खूब होता है। उसके बाद आप निकलते हैं यहाँ के लोकल साइट सीन्स के लिए, जिसमें कि आप कवर करते हैं एलेपी बीच और पुन्नामड्डा लेक। उसके बाद आप वापस आकर के अपना ओवरनाइट स्टे लेते हैं होटल या अपनी हाउस बोट। तो आप चलते हैं एलेपी से कोचिन की ओर। हम आपको कोचिन के कुछ लोकल साइट सीन कवर करवाते हुए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने से पहले कुछ लोकल साइट सीन्स जो वहाँ पे करवाए जाते हैं वो होते हैं लुलू शॉपिंग मॉल और MG रोड। उसके बाद आप ड्राइव करके वापस एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिए जाते हैं, जहां से आप अपनी होम डेस्टिनेशन के लिए डिपार्ट करते हैं।